देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बांदा में तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीणों ने लगभग 2 दर्जन महिला पुरुष आकर बांदा कलेक्ट्रेट पर कोटेदार द्वारा राशन सामग्री न दिए जाने के संबंध पर कोटेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पूरा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के बहिंगा गांव का है, जहां पर कोटेदार मोहम्मद हनीफ समय से राशन सामग्री नहीं देता है, जिसके संबंध में कोटेदार की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पर लगभग 2 दर्जन महिला पुरुष ग्रामीण पहुंचकर नारेबाजी कर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और ग्रामीण कार्ड धारक ने बताया कि गाँव से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण राशन सामग्री लेने जाता है और कोटेदारों द्वारा बार बार लौटा दिया जाता है। जब भी राशन सामग्री लेने जाते हैं तो बहानेबाजी करता है, कभी कहता है कि अंगूठा लगाने की मशीन सही नहीं है, कभी कहता है तुम्हारा अंगूठा नहीं लगता, कभी कहता है कि ऊपर से तुम्हारा राशन सामग्री नहीं आया, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल भी 4 महीने से नहीं दिया गया, जिसे आज परेशान होकर जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? जी विक्रम सिंह नाम है। कहाँ से आए? ग्राम पंचायत बहिंगा। क्या मामला है? मामला हमारे यहाँ कोटेदार द्वारा राशन ना देने के संबंध में है, हम लोगों को 4 महीने से परेशान करता है, सारा राशन ब्लैकमेल प्रधान और कोटेदार मिलकर कर लेते हैं और हमारी सर ग्राम पंचायत की डिस्टेंस जहाँ से कोटा है वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, हम एक बार दो बार चार बार महीने में जाते हैं तो हमको लौटा देता है, कहता राशन आप लोगों का नहीं है, कभी कहता है कि आपके अंगूठा मैच नहीं करता, कभी कहता राशन शासन से नहीं मिला है, आप हमारी जहाँ शिकायत करना चाहते हो कर दे, हमें कोई डर नहीं, हम राशन नहीं दे पाएंगे। आज कहाँ हैं? आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से सब अपनी प्रार्थना करने आए हैं कि इस कोटेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई कर हम गरीब परिवारों का पालन पोषण करें। कितने लोग हैं सर? हम लगभग 30 से 40 की संख्या में हैं। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।